नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हुंकार देख रहे हैं आप। पिछले चार दिनों से महाराष्ट्र की सियासत हनुमान जी के इर्द गिर्द घूम रही है। अच्छा, ये भूल गई, आज मंगलवार है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पहले हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार को घेरा। नवनीत राणा की गिरफ्तारी हो गई। अब बीजेपी और शिवसेना बिल्कुल आमने सामने है। देवेंद्र फडणवीस सवाल पूछ रहे हैं कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर पढ़ेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब दिया और ये कहा कि उन्हें मंदिरों में सीटी बजाने वाले हिंदू नहीं बल्कि गदाधारी हिंदू चाहिए। अगर दादागिरी करके हनुमान चालीसा पढ़ने आओगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवसेना ये भी कह रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर के अंदर पढ़ो या मंदिर में जाकर। लेकिन बीजेपी अपने आरोपों पर कायम है। आरोप लगा रही है कि जब सड़क पर नमाज पढ़ने की बात होती है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन हनुमान चालीसा को इजाज़त नहीं मिलती है। इस मामले में अल्पसंख्यकों को लगातार रियायत दी जाती है, तो क्या हनुमान चालीसा के बहाने बीजेपी उद्धव के हिंदुत्व को कमतर बनाने में लगी हुई है। सवाल ये कि हनुमान पर दंगल से किसका होगा मंगल। आज की हुंकार इसी पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। हनुमान चालीसा पर आमने सामने बीजेपी शिवसेना। इकडे हनुमान चालीसा असेल पढा, या घरी यायचे या, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलं आहे। दशकों से सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब सिर्फ क्योंकि हनुमान चालीसा का विषय है इसलिए सारी दिक्कत है। नवनीत पर एक्शन, बीजेपी का पाकिस्तान वाला रिएक्शन। मेरा सवाल ये है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? अगर हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह। देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ। महाअघाड़ी पर बीजेपी का हिंदुत्व वाला महा अटैक। ये नए मुगल उद्धव ठाकरे के रूप में आ गए हैं जिन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने पर डर लग रहा है। इस समय जब महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति सब मोर्चे पर चीन के हमले पर चुवान नहीं खुल रही, उसने जमीन कब्जा कर रखा है, बजरंगबली को आप मुद्दा इसलिए बना रहे हो कि भगवान राम का मुद्दा बनाकर सत्ता और बजरंगबली को लाके संकट कटे मिटे सब पीरा हनुमान से बल। हनुमान पर दंगल, किसका मंगल। ये जो महाअघाड़ी है ना, इस पर महा अटैक किया जा रहा है। किसकी तरफ से किया जा रहा है? बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अलग अलग हिंदुत्व के मुद्दे थे, उस पर कैसे महाअघाड़ी और ख़ासकर शिवसेना, जिसके जो संस्थापक थे वो सिर्फ और सिर्फ इसी नाम से पहचाने जाते थे कि वो सबसे बड़े हिंदुत्व के पैरोकार है। अब 2019 में देखिए नवंबर में क्या हुआ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो ये महाअघाड़ी का आया था उसमें सेक्युलर शब्द के इस्तेमाल पर खूब बवाल हुआ था। फिर फरवरी 2020 में क्या हुआ, विधानसभा में सावरकर के सम्मान में प्रस्ताव पेश नहीं होने पर शिवसेना पर सवाल उठे। फिर अप्रैल 2020 में पालघर में पीट पीट कर दो साधुओं की हत्या हो गई थी, उसके बाद भी शिवसेना पर सवाल उठे थे कि ये कैसा हिंदुत्व है कि चुप बैठे हुए हो। अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन में मंदिरों को नहीं खोलने पर भी सवाल उठाए गए। 2020 दिसंबर में आइए, शिवसेना के एक नेता ने अजान प्रतियोगिता की मांग कर डाली थी और फिर उसके बाद जो घसाई इस बात को लेकर हुई थी कि क्या बदल गए हैं उद्धव ठाकरे। दिसंबर 2020 में शिवसेना के एक नेता है पांडुरंग सकपाल, उन्होंने अजान की प्रतियोगिता जो है उसकी मांग की थी। अप्रैल 2022 में देखिए मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ पर भी
आज की तारीख में हंगामा उठ खड़ा हुआ है। और उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं? उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमें धमकाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है इस धमकी को पिघालना कैसे है, क्योंकि हम उस पार्टी से आते हैं जिसके संस्थापक बाल ठाकरे हैं। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहन गुप्ता। किशोर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के नेता हैं। संदीप देशपांडे जी प्रवक्ता हैं एमएनएस के। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और संजय तटकरे प्रवक्ता हैं एनसीपी के, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट वो आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव भाटिया, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो हमारे घर में आपका स्वागत है, लेकिन आने का एक तरीका होता है। दादागिरी करके आप आएंगे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जवाब कैसे देना है। ये भी कहा गया कि शिवसेना के हिंदुत्व छोड़ने का वास्तव में क्या मतलब है। मैं नहीं चाहता कि मंदिर में हिंदू सीटी बजाए, मुझे आतंकवादियों की सीटी बजाने वाला हिंदू चाहिए। ये थी शिवसेना प्रमुख की राय। हम नहीं चाहते कि हिंदू मंदिरों में घंटी बजाए, हमारा हिंदुत्व गदाधारी है। जवाब आया आपको? रूबिका जी, आज बाला साहब ठाकरे जी सबको बहुत याद आते हैं और ये शब्द उनके हैं, शब्द शाह मैं पढ़ देता हूँ, सारे व्यूअर्स देख लें उनकी क्या सोच थी, वो कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे और वैसे राजनीति जो थी और हिंदू सम्मान पे क्या कहते थे। ये मेरे हाथ में है। वो कहते थे श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी, हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने। और दूसरा उन्होंने कहा था कि हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द बाला साहब ठाकरे जी के हैं। और आपको मालूम है आज शिवसेना जो है ये शिवसेना रही नहीं, अब ये शिवसेना है और ये सोनिया गांधी के इशारे पे चलती है, क्योंकि समानताएं कितनी है। आप देखिए, हिंदुओं पे गलत बयानी करना इनकी हिम्मत है, चाहे कांग्रेस हो। राहुल गांधी कहते हैं लड़के लड़कियाँ छेड़ने मंदिर में जाते हैं, आज उद्धव ठाकरे का जो बयान आप चला रही हैं, मंदिरों में सीटी बजाने वाले हिंदू नहीं चाहिए। हिम्मत है कह दे मस्जिद में सीटी चलाने वाले मुसलमान नहीं चाहिए, या कह दे लड़के जो मस्जिद में लड़कियां छेड़ने जाते हैं वो हैं मुसलमान, नहीं कह पाएंगे। ये हिंदू को ही टारगेट करते हैं। और इसकी वजह क्या है मैं बताऊं, कल उच्च न्यायालय ने दो टिप्पणियां करी, वो दोनों टिप्पणियां ऐसा लग रहा था एक और लड़ाई हाँ, है। हाँ रूबिका जी, ये भी देखिए आपने बात पते की करी, नहीं रूबिका जी ये भी बात आपने पते की करी, लेकिन वहाँ पे तो पंथ निरपेक्षता है ना, पंथ निरपेक्षता में तो लड़कियों को ये हक भी नहीं है। वो एक शोहर की चौथी बीवी बन के रहें, हलाला हो, बहु विवाह भी सही है, हिजाब भी पहन के स्कूल कॉलेज जाएं, ये पंथ निरपेक्षता है। और पंथ निरपेक्षता ये भी है हर जुम्मे के दिन रोड बंद कर दी जाए जो सार्वजनिक स्थल है और उस पर नमाज पढ़ी जाए। कोई नहीं बोलेगा इनमें से, शिवसेना भी नहीं बोलेगी, लेकिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। हनुमान चालीसा से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो आप धमकी भरे लहजे में आते हैं कि हम बता देंगे, हम कर देंगे, हनुमान चालीसा को आप हथियार के तौर पर इस्तेमाल थोड़े ही कर सकते हैं भाई। कल को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर उनके निवास पर ऐसे कोई आकर घेराव करने की कोशिश करेगा तो उसको भी पकड़ के थाने में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो भाई तुम्हारी मर्जी हुई तो बराबर बोल रही करोगे, बराबर बोल रही हो। अच्छा अच्छा रूबिका जी, दो बातें। सबसे पहले आपको याद है किसने कहा था कि अगर आपने मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतारे, क्योंकि ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, तो मैं हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ कराऊंगा। राज ठाकरे जी ने क्या कार्रवाई हुई उसके खिलाफ, बताइए आप क्या कार्रवाई हुई। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, राजद्रोह, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये मेरे हाथ में, मैं पढ़ देता हूँ दर्शकों के लिए। इनके 2019 के मैनिफेस्टो में रूबिका जी इन्होंने लिखा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो कि राजद्रोह है उसको समाप्त किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान में पत्रकार हो, राजद्रोह लगाया जा रहा है, जो चीज ये समाप्त करना चाह रहे थे वो अब ठीक कैसे हो जाती है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, रोहन गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद है। आपने दो जगह का नाम लिया, आपने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया। राजद्रोह के केसेस वहां पे भी बड़े सारे हैं,
इसका जिक्र आपको करना चाहिए गौरव भाटिया, लेकिन आप जवाब दीजिएगा, मैंने ओपनिंग रिमार्क आपसे ले लिया है, लेकिन रोहन गुप्ता जी तो पत्रकार है, आप बताइए, मैं उत्तर दूंगा। रोहन गुप्ता जी हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं था, ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं हनुमान चालीसा के लिए राजद्रोह कैसा भाई? रोहन गुप्ता जी, ये जो ये आपत्ति इस बात पर है कि ये अंदर का जो आपका कानून और लॉ एंड ऑर्डर का रखवाला है तब नहीं जागता है जब दूसरे मापदंडों पर कानून का पालन नहीं हो रहा होता है, चाहे वो पांच वक्त ये अजान हो लाउडस्पीकर से आने वाली, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दरकिनार करती हुई, या फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने वाली हो। लेकिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो आपका खून खौलने लगता है, सीधा आरोप। रूबिका जी, हनुमान चालीसा का पाठ होने से खून खौलना, ऐसी भद्दी बातें मुझे नहीं लगता है कि आपके मुंह से शोभा देती है। मैं हर रोज हनुमान चालीसा करता हूं और दिल में हनुमान जी बसे हुए हैं, तो मैं आपको मेरी बात का मैं जवाब दे दूं। तो आपने कमेंट की, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरी बात बोलता हूं, आपने कमेंट की इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। बात हनुमान चालीसा की यहाँ पे है ही नहीं। जो एमपी कपल हम बात कर रहे हैं, एमपी एमएलए जो हैं, आज उन्होंने श्रीराम का विरोध किया है। क्या गौरव भाटिया मुझे मेरे सामने कहें कि जय श्रीराम का विरोध करने वाले संसद में, इनके सांसद जब ओथ ले रहे थे तब इन्हीं लोगों ने विरोध किया था, आज वो अपनी सत्ता के लिए उनके साथ खड़े हो गए। यही भाजपा का दोगला चेहरा है। और क्या कहा मुख्यमंत्री ने, क्या कहा? अगर उनकी इच्छा है आइए सप्रेम, आइए घर पे आइए, बैठिए, हनुमान चालीसा कीजिए। अगर आपका इंटेंशन, आपकी नियति जो श्रीराम के खिलाफ खड़ा है, वो अपनी सत्ता के लिए भाजपा के इशारे पे आज हनुमान चालीसा करने का नाटक कर रहे हैं। अरे आपको शांति खराब करनी है महाराष्ट्र की, आपको सत्ता की राजनीति करनी है, आपको महंगाई से मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना है। आज का न्यूज है 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी है। ये है भाजपा के अच्छे दिन, ये भाजपा ने दिया है देश को। ये मुद्दे से ध्यान भटकाना है। अगर रूबिका जी ये मुद्दे नहीं होते तो आज आपको मजबूरी में ये डिबेट 35 करोड़ लोगों ने जो नौकरी की उम्मीद गवा दी उसको करनी पड़ती, आप चाहे या ना चाहे आपको करनी ही पड़ती, क्योंकि देश की आवाज है ये। आप चाहे या ना चाहे जिस प्रकार से विद्यार्थियों पे अतिक्रमण हो रहा है उस पे करनी पड़ती, महिला सुरक्षा पे करनी पड़ती, महंगाई पे करनी पड़ती। ये मुद्दे हटाने के लिए आज यहाँ पे आके ये लोग चुनावी हिंदू हैं, इनको सिर्फ अपने वोटों से प्यार है। आज ये राणा जो कल खराब थे, आज इनको लगा कि उनको फायदा हो रहा है, आज उनके साथ खड़े हो गए। इनकी विचारधारा क्या है? आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, आपने कभी रूबिका जी इनको सवाल पूछा कि आरएसएस की शाखाओं में महिला क्यों नहीं जाती है, आरएसएस में क्यों महिलाओं को नहीं रखा जाता है? क्योंकि इनकी संस्कृति में कभी महिलाओं को सम्मान दिया ही नहीं गया है। क्यों आज तक की एक भी जो पोस्ट है उसके ऊपर महिला नहीं है? ये सवाल मत पूछे रूबिका जी, भाजपा का असली चेहरा देश के सामने। मुद्दा ये कि जो राज्य में शांति है वहां पे भाजपा राज्य विपक्ष में हो या सत्ता में हो, किस प्रकार की शांति हमारे साथ बैठे हुए हैं विजय शंकर तिवारी जी, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। गौरव जी एक सेकंड, मैं ओपनिंग रिमार्क सबके चाह रही हूँ और उसके बाद हम डिबेट कर सकते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, महिलाओं की बात हो तब भी आप लोग पीछे हैं, बेरोजगारी की बात हो तब भी आप पीछे हैं, महंगाई की बात हो तब भी आप पीछे हैं, तो फिर क्या करें? तो फिर चलो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। देखो रोहन जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता जुड़े हैं इनको संघ के विषय में एबीसीडी तो पता नहीं है कि संघ में कौन जाता है, संघ की शाखा में कौन जाता है, संघ में महिलाएं हैं कि नहीं है, ये इनको पता नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। संघ में राष्ट्र सेविका समिति के नाम से एक संगठन है, संघ का ही हिस्सा है, जिसमें केवल महिलाएं होती हैं। ये जानकारी एक बार रोहन जी को अगर होगी तो शायद आगे से ये नहीं बोलेंगे। अगर इनकी मानसिकता ही होगी कि बोलना है तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये महाराष्ट्र वो क्षेत्र है जहाँ पर संत समर्थ रामदास जी ने 400 ऐसे मंदिर बनाए जो भगवान बजरंग बली के वो मंदिर हैं, भगवान हनुमान के मंदिर हैं, और वो 400 वो जो मंदिर हैं इसी ऐसे ही पाठ से वहाँ पर जो आक्रांता थे, मुगल आक्रांता थे, उनको ध्वस्त करने के लिए वो 400 हनुमान मंदिरों के वो जो स्थान हैं उन्होंने बड़ा काम किया, और जय बजरंग बली के वो ऊर्जा ने वहाँ के मुगल संतलन को वहाँ से हटाया, हिंदवी स्वराज वहाँ स्थापित हुआ। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे लिए माननीय है, जो चुन के आता है वो मुख्यमंत्री, उसका सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी शिवसेना को महाराष्ट्र की जनता ने सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं भेजा है,
जो यहाँ पर अजान होती है माइक लगा करके होती है और मस्जिदों से जोर जोर से होती है, जो जिस पर आस्था नहीं उसको भी सुनाया जाता है, इसके लिए आपको नहीं चुना गया है। आपको इसीलिए चुना गया था ताकि हिंदवी शक्ति, हिंदवी ऊर्जा महाराष्ट्र में खड़ी हो, ताकि कोई आक्रंता दोबारा आंख उठाकर न देख सके। और ऐसे में आप से तो सबका साथ सबका विकास जो है महज ढकोसला रह जाएगा ना। विजय शंकर तिवारी जी, फिर आप पर यह आरोप लगेंगे कि आप सिर्फ मंदिर बनाने के लिए आए थे क्या? रूबिका, सामने वाला कहेगा कि नहीं हम मस्जिदों पर लाउड स्पीकर, तो फिर यहाँ तो हिंदू के और मुसलमानों के नेता बन के रह जाएंगे, हिंदुस्तान का क्या होगा? रूबिका रूबिका रूबिका, किसने कहा कि नौकरियां मत दीजिए? किसने कहा कि आप चालीसा तो करिए लेकिन शोध मत करिए? किसने ये कहा कि आप सड़कें मत बनाइए केवल चालीसा करिए? किसी ने कहा है क्या कि ये मत करिए या चालीसा करने से सारे काम रुक जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना किशोर तिवारी जी। एक काम करने के बाद दूसरे काम होते नहीं है। आपको तो एलर्जी है क्या हिंदुत्व से? और वो भी शिवसेना को, ज्यादा तो खून इस बात को लेकर खोल रहा है कि ये शिवसेना को हो क्या गया है। बहुत किसका खून खोल रहा है जरा बता दो मुझे। एक बात बताऊं मैं रूबिका जी, हमारे हिंदुत्व पे बीजेपी जो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाती है उसने नहीं पूछना चाहिए। देखिए आपने जो बोला कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में सब लोग पढ़ सकते हैं, नमाज भी सब पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा अपने घर में या मंदिरों में आप पढ़ सकते हो, वैसे नमाज भी आप अपने, एक मिनट, नमाज सड़क पे पढ़ने का परमिशन महाराष्ट्र में नहीं है और शिवसेना सड़कों पे नमाज पढ़ने के विरोध में है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। मेरे मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन कर रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री ने क्लियर किया कि राणा पति पत्नी अगर रिक्वेस्ट करके आते तो सम्मान के साथ वो हनुमान चालीसा पढ़ते, लेकिन उन्होंने क्या बोला मालूम है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निकम्मे हैं, उन्हें शनि का वो प्रकोप है, उनके शनि का प्रकोप निकालने के लिए हम जा रहे हैं। तो रूबिका जी, आजकल नुक्कड़ के सब नेता, ये गौरव भाटिया सरी के भी नेता मातोश्री शिवसेना बहुत बोल रहे हो 2.5 साल से। हमको लोगों ने चुन के दिया, हमने उनको, हमने कांग्रेस राष्ट्रवादी के कांग्रेस के साथ साझा सरकार बनाई, तो ये बोलते कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, ये कौन सा इक्वेशन है मुझे भी मालूम नहीं। भाजपा के साथ रहना या नहीं हिंदू रहना तो मुझे नहीं मालूम, मैं भी खुद भी तो सनातनी हिंदू हूं और आरएसएस वाला हूं, तो ये समझते क्या है मुझे मालूम नहीं। तो मैं अभी बता रहा हूं कि गौरव भाटिया जी, मातोश्री हमारा श्रद्धा स्थान है, वो मुख्यमंत्री का निवास स्थान है और वो व्यक्तिगत निवास स्थान है, वर्षा पे जाते तो और एक बात थी। और ये जो भी नुक्कड़ के नेता तुम्हारे तरीके बार बार जो बोलते हैं, मातोश्री, आप दोनों मेरे मेहमान हैं और गौरव भाटिया के लिए इस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं मुख्यमंत्री हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वापस ले लिया। अरे गौरव भाटिया तो बहुत रिनाउंस वकील है और कम उम्र में ही हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे आए थे, उनके बारे में नहीं बोल रहा है। वो जरा पार्टियां बदल के इधर उधर जाते रहते, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी करेगा तो ये हमारा टेलर था। रूबिका जी, पिक्चर अभी बाकी है महाराष्ट्र में। अरे ये पिक्चर आपकी जो है वो हनुमान भक्तों के लिए क्यों दिखाई पड़ रही है? यही तो सवाल कर रही है ना बीजेपी आपसे कि आपको ये ट्रेलर, ये पिक्चर, ये 3-2.5 घंटे का जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ही के लिए आपको क्यों दिखाई पड़ता है, बाकियों के लिए क्यों नहीं? संदीप देशपांडे एमएनएस के यहाँ पर मौजूद है, रुकिए एक सेकंड किशोर जी। संदीप देशपांडे जी कह रहे हैं आप लोग परमिशन लेकर जाइए ना, मिलकर गाएंगे जो भी आप गवाएंगे, मिलकर पढ़ेंगे जो भी आप पढ़ेंगे पढ़वाएंगे। सॉरी, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। संदीप देशपांडे जी, शिवसेना के नेता यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने कहा धमका के मत आइए, मोहब्बत से आइए, परमिशन लेकर आइए, घर में बुलाकर चाय पिलाकर आपके संग जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। परमिशन लेकर जाएंगे आप?
नहीं, ये तो हमने कहा नहीं कभी हम उद्धव साहब के घर पे जाएंगे या वो कुछ, ये हमने नहीं कहा है। लेकिन एक अहम बात, मैं एक अहम मुद्दा यहाँ पे मैं उपस्थित करना चाहता हूँ रूबिका जी, कि जो जो उन्होंने कहा और कल हाईकोर्ट ने भी कहा कि किसी के घर के सामने आप बिना उसकी इजाजत के इस प्रकार से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, ये बात हाईकोर्ट ने भी कही और यही बात उद्धव साहब ने भी कही। तो मेरा अभी सवाल मुख्यमंत्री साहब से ये है कि जो रूल वो बता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री साहब को भी लागू होते हैं उसी प्रकार से जनता को भी लागू होते हैं, जब हम लोग कह रहे हैं कि हमें भी आजान नहीं सुननी है, हमें भी लाउड स्पीकर से जो आवाज आ रही है, हमारे घर के सामने जो मस्जिद है वहां से जो आवाज आ रही है वो हमें नहीं सुननी है, वो अपने चार दीवारी के अंदर वो आवाज करे, तो उस बात पे सीएम साहब को क्यों ऐतराज है? उस बात का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? जो विविध हाईकोर्ट के आदेश है उसका, तिवारी जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए फिर आप बोलिए। तो हमारे ये कहना है जो नियम मुख्यमंत्री साहब को लागू है, अगर उनको हनुमान चालीसा पसंद नहीं है ठीक है, उनकी श्रद्धा का भाग है, हमें कोई कहना नहीं है, लोग चाहिए हर एक की श्रद्धा होती है, लेकिन हमें भी आजान की आवाज नहीं चाहिए तो हमें लाउड स्पीकर की जबरदस्ती क्यों की जाती है, वहां से हमें आजान क्यों सुनाई दी जा रही है? तिवारी जी जवाब दीजिएगा, लेकिन संजय तटकरे जी जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ये अलग अलग मापदंड क्यों है? संजय तटकरे जी देखो मुझे जवाब दे, तिवारी जी ओपनिंग रिमार्क और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, मेरे सारे मेहमान 6 लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहती हूँ सब अपनी अपनी बात रखे। पहले संजय तटकरे जी, सुना आपने एमएनएस के नेता है कह रहे हैं कि आपका बड़ा मापदंड है। नहीं, एमएनएस की जो भूमिका होती है वो जब भी कोई इलेक्शन आता है तो बदलते रहती है। अब मुंबई महानगर पालिका की इलेक्शन है तो एमएनएस ने अपना मुद्दा बदल लिया है, बीजेपी के साथ मिलके उनकी जो पोजीशन है वो साफ साफ हो गई है। अभी ठीक है, उनका उनका अपना नजरिया है, कोर्ट का डिसीजन है, उस मुद्दे पे बात कीजिए, कि भाई जो मुद्दा उस मुद्दे पे बात कीजिए। भाई मैं आपका जवाब देने इस चैनल पे नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आपको सुनना है सुनिए, नहीं तो मत सुनिए। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये है कि डेसिबल कितना मेंटेन, कितनी बार भूमिका बदली है शरद पवार साहब ने, कितनी बार भूमिका बदली है शरद पवार साहब, कितने कितने किसके किसके गोद पे जाके बैठे हैं, ये सब बातें। अरे संदीप जी, संदीप जी गिनाओ क्या? संदीप जी मुझे बात करने दीजिए, मुझे अरे भाई गिनाओ। अरे संदीप जी तो आप मुद्दे पे बात कीजिए, बात तो रखने दीजिए, आप इतने इतने बौखलाते क्यों हैं? मुद्दे पे बात कीजिए। अरे भाई मुझे आप कहेंगे वो मुद्दा, मैं अपना मुद्दा रखूंगा, कीजिए ना तो मैं आप कहेंगे वो मुद्दा नहीं हो सकता, मैं अपना मुद्दा रखूंगा। कितनी बार उन्होंने भूमिका बदली है वो, शरद पवार साहब कितने बार कांग्रेस की गोदी में जाके बैठे हैं, कितने बार बाहर बैठे हैं, कितने बार शिवसेना के साथ गए, शिवसेना को छोड़ दिया, ये सब गिनवाते जाऊंगा मैं शरद पवार साहब के ऊपर। आपको पूरी पार्टी अर्पित कर दी है राज ठाकरे जी ने। अरे संदीप जी से कि मुझे संजय तटकरे को अपनी बात तो रख लेने दीजिए, अपनी बात रख लेने दीजिए। संजय तटकरे जी जवाब दीजिए ना, दोहरे मापदंड को लेकर आप पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आप एक पक्ष के लिए एकदम एकदम क्रोधित हो जाते हैं, दूसरे पक्ष के लिए आपके शब्द का बांध नहीं टूटता है। जरा मुझे भी बोलने दे भाई, मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने भी नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। ये कहना चाह रहा था कि ये पूरी राजनीतिक लड़ाई है, बीजेपी को जो सूट होता है बीजेपी करते रहती है, महाराष्ट्र में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, इनका ये राजनीतिक मुद्दा है। आपने देखा बंगाल इलेक्शन के पहले बीजेपी ने यही किया बंगाल में, अब कर्नाटक में यूपी का इलेक्शन हुआ तो कर्नाटक में हिजाब का इशू रेज किया। हमारा कहना सीधा और सरल है, अगर ये ऑल इंडिया प्रॉब्लम है तो केंद्रीय गृह मंत्री ने ये सब पेल लगाए जाए। आजान क्या सिर्फ मुंबई में सुनाई देती है? वो तो यूपी में भी सुनाई देती है, लखनऊ में भी सुनाई देती है। गौरव भाटिया ने निकाल दी है क्या पूरे भोंगे लखनऊ में से? तो आपको पता नहीं है क्या उनकी सरकारें हैं वहां पर उन तमाम इलाकों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं? हेडलाइंस में 125 लाउड स्पीकर तो अभी अभी हट गए हैं उत्तर प्रदेश का ही, मैं आपको बता रही हूँ। 125 लाउड स्पीकर हटाए गए। कहना है कि ये देश का मसला है,
अजान की तकलीफ। नहीं भाई, अब आप सवाल पूछ रहे तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने जवाब दे दिया ना। गौरव भाटिया देश का है तो अमित शाह जी लेना निर्णय, अमित शाह जी लेना निर्णय। गौरव भाटिया अमित शाह जी से बोले कि ये सब करे, एक दिन में मसला हल हो सकता है। अगर आप 370 हटा सकते हैं तो मस्जिदों के भोंगा तो क्या है? एक मामूली इशू है, कर दे अमित शाह जी। गौरव भाटिया देखिए, सबसे पहले तो शिवसेना के यहाँ पे प्रवक्ता ने कहा कि नुक्कड़ नेता है, व्यक्तिगत टिप्पणी करी। मैं इतना ही कहूँगा कि नुक्कड़ नेता होना बेहतर है, लेकिन सोनिया सेना में शव बन के रहना ज़्यादा आपत्तिजनक है। बाला साहब ठाकरे जी को दर्द होता होगा। और इनसे एक प्रश्न है मेरा रूपिका जी, प्रश्न ये है कि शिवसेना के ही नेता हैं, मंत्री हैं अब्दुल सत्तार, उन्होंने भगवान हनुमान को गाली दी है। वो वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, है मेरे पास, क्योंकि उसमें इतने आपत्तिजनक शब्द हैं कि जो कोई सुन भी नहीं पाएगा। ये यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने कहा भगवान हनुमान को गाली दे रहा है आपका मंत्री और आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। अब बताइए बाला साहब ठाकरे जी, मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना, ये कैसा कुपुत, मुझे बोलने देना। दूसरी बात, अभी आपकी बारी आएगी, मैंने बहुत धैर्य से सुना, सुनिए पहले पूरी बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कह रहे थे मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, सम्मान होना चाहिए। रूबिका जी ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी तो सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं जनसंख्या के आधार पर। उद्धव ठाकरे के शब्द हैं, चप्पल से मारने का मन करता है योगी आदित्यनाथ जी को, ये क्या था? ये सही था? अरे हाईकोर्ट की जो कल टिप्पणी थी, ऐसा लगा उद्धव ठाकरे के लिए थी, जिसमें उन्होंने कहा बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। संजय राउत कहते हैं कंगना रनौत को हरामखोर, एक महिला को, क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? संजय राउत ने अभी कहा 20 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा अगर मातोश्री की तरफ गलत तरीके से देखा। मैं पूछना चाहता हूं, आप कौन होते हैं गाड़ने वाले भाई? इतना रह लिए साथ में कि गाड़ने में विश्वास हो गया। और कांग्रेस से कहूंगा, देखिए अभी एक झटका लगा है, बता रहे हैं प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में नहीं जा रहा, लेकिन असर क्या है? ये मेरे हाथ में तस्वीर है, आप जानती है करौली में क्या हुआ था। करौली का जो मुख्य आरोपी है आसिफ असादी, ये इफ्तार पार्टी में अशोक गहलोत के आवास में था, और मतलूब अहमद अभी तक 24 दिन हो गए पकड़ा नहीं गया करौली में, करौली जिसके पत्थरबाजी कराई थी। छाबड़ा दंगे का आरोपी विरोधी कांग्रेस पार्टी, मैं करेक्ट कर देना चाहती हूँ फैक्चुअली आपको। मैं मतलूब अहमद करौली में हुआ था, मतलूब अहमद करौली में था, और आसिफ असदी ये मुख्य आरोपी है। इसको इफ्तार पार्टी में बुला के कह रहे आइए साथ में हम लोग इफ्तार मनाएं मुख्य आरोपी को। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, इनका चरित्र है हिंदू विरोधी। ये लोग कहते हैं मुस्लिम पार्टी है, ये कहते हैं कि हिंदुत्व का मतलब है बोको हरम और आइसिस। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व सिखाता है सिखों को मारो, अल्पसंख्यकों को मारो। ये किस तरह की बातें ये करते हैं हिंदुओं के प्रति? दो लोगों से आपका सवाल है। और मेरा जो मैनिफेस्टो पे सवाल था, राजद्रोह अगर गलत है तो लगाया क्यों? ठीक है, रोहन गुप्ता जी और किशोर तिवारी जी दोनों को जवाब देना होगा। किशोर तिवारी शुरुआत आप कीजिए, क्योंकि सवाल आपसे पूछा गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि आप कांग्रेस के साथ जाकर रंग बदल चुके हैं, आपका हिंदुत्व मर चुका है, आपका खून तब खौलता है जब हिंदुत्ववादी कोई काम वहाँ सड़कों पर हो रहा होता है, वरना आप शांति से जैसे बर्फ की सिल्ली पर पड़ा शव होता है इत्मीनान से इंतजार कर रहे होते हैं। आरोप आप पर नहीं, नहीं, ये देखो गौरव भाटिया को नुक्कड़ का नेता मैंने नहीं कहा, कुछ नुक्कड़ के नेता हाँ, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो ऐसा ही सब तरफ हो रहा है कि लोग घटिया किस्म की बातें करते और ऊंची बातें करते। शब्द का ज्यादा बुरा लगा, ये अब्दुल सत्तार को बताइए जो गाली दे रहा भगवान हनुमान जी को, उस पे बताइए। मेरा छोड़ दीजिए, अब्दुल सत्तार के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? बस नहीं नहीं, मैं अभी बता देता हूँ कि अब्दुल सत्तार ने क्या बोला मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन को अब्दुल सत्तार हो या कोई भी हो, हनुमान जी को गाली देगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अरे हिम्मत रखता हूँ ना मैं बता रहा हूँ, मुझे पूरा बोलने देना चाहिए। अरे भाई नहीं नहीं, मुख्यमंत्री देखिए आप है ना, आपको महाराष्ट्र में हमने
सत्ता से क्या निकाला, आप बहुत ही निराश चल रहे आप। अच्छा ये बताइए, मैं पूरा योगी पूरा को चप्पल से मारूंगा ये बोला उद्धव ठाकरे ने, ठीक था गलत था बताइए? नहीं, योगी जी को चप्पल से मारूंगा उद्धव ठाकरे ने कहा, ये ठीक था गलत था बताइए? नॉटी मत जो संदर्भ बताइए। देखो आप सवाल जवाब तुम्हारे करने आए कि मैं तुम्हारे पहले सवालों का जवाब दे दूं? मैं संदीप देशपांडे का जवाब दे देता हूं कि संदीप जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बड़ी आवाज में ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर से, मेरे तो बात करने दो, लाउडस्पीकर जो बड़ी आवाज में होते हैं उनसे तकलीफ होती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना चाहिए, 10 से 6 तक तो उसका यूज नहीं करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर किया जाता है तो 60 डेसिमल के ऊपर नहीं होना चाहिए, इस पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझते नहीं कि ये पूरा का पूरा बीजेपी का एजेंडा है, और एक बड़ा भाई जो बीजेपी का एजेंडा है। किशोर जी मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात, मान लीजिए कि बीजेपी का एजेंडा है, आपने इन दोनों दंपतियों पर राजद्रोह का केस दर्ज करके ये बता दिया है ना कि बीजेपी अपर हैंड पर है, आपने एक मैसेज तो दे दिया है ना कि अगर आप हनुमान चालीसा को लेकर किसी तरह का कोई बयान देते हैं या कोई प्लान करते हैं तो तुम पर राजद्रोह का केस दर्ज हो जाएगा, सिंपल पीरियड, दे दिया ना आपने मैसेज? नहीं नहीं, देखो रूपिका जी, आप भी इंफॉर्मेशन गलत दे रही है। उन्होंने अमरावती में रहते हुए भी दंगा भड़काया, यहाँ पे रह के भी रेजिंग द वॉर अगेंस्ट द नेशन ये किया, और पुलिसों ने पुख्ता सबूत रहने के बाद उनपे ये कार्रवाई की है, और ये कोर्ट में भी जाने वाली है। ये तो देखो ना, मेरी बात तो सुनो तुम, अरे योगी जी लगाते ठीक, मोदी जी पत्रकार तो लगाते ठीक, हो गया क्या? अरे भाई महाराष्ट्र के अंदर दंगा कराने के लिए बीजेपी कद का कोई नेता पूरे विश्व में नहीं है। अरे मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है, पूछे वो भी बता दो, आज पढ़ाई लिखाई नहीं करके आए हैं, नोटी इंडिया के संपादक पे लगा दिया, नोटी ने पढ़ाई नहीं करी किशोर जी। अरे बीच बीच में मत बोले, बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं जब बता दूंगा तो। ये अब्दुल सत्तार ने जो बोला, ये क्या उद्धव ठाकरे ने बुलवाया है अब्दुल सत्तार से कि जालीदार टोपी वाला वोट मिल जाए, बताइए? और जो नमाज रोड पर पढ़ी जाती है उस पे राजद्रोह लगाएंगे ना? ये सवाल है, ये जनता पूछ रही है। देखो नमाज 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 पर और हनुमान चालीसा पढ़ने पे राजद्रोह नहीं लगाए महाराष्ट्र में आप दंगे जो भड़काने की काम कर रहे हैं इसके लिए लगाए, और आप महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लाना चाहते हैं, और किराए से ले लिया आपने उनके खुद के भाई को ले लिया। अच्छा आपको आजकल सपने भी आ रहे हैं, आप राणा को ले लिया, ऐसा मैंने आपसे सवाल पूछा, एक महिला के लिए अपशब्द कहना सही है ये? अच्छा एक बात बताइए किशोर जी, अगर मैं आपके लिए मान लीजिए सरकार ने, मान लीजिए राजनीतिक तौर पर राजद्रोह का केस दर्ज किया, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से अगर उसे आगे बढ़ाया गया है, आप तो एक अधिवक्ता भी है, आप तो एक वकील भी है, तो इसको कैसे आप सही ठहराएंगे? ये नियोपोर्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आए। मैं बताता हूँ, एक मिनट रूबिका जी, अधिवक्ता होने के नाते एक दो बातें स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे। पहली बात, हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, कहें कि न्यायपालिका बिक गई है, हमें ये मानना पड़ेगा कि जो भी फैसला आया है जब तक उसको सर्वोच्च न्यायालय निरस्त ना करे वो फैसला मान्य है, लेकिन ये क्वाशिंग की पिटीशन थी, मतलब निरस्त किया जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि निरस्त नहीं किया लेकिन उसके बाद भी एक्विटल हुए हैं। लेकिन आज जो सवाल है कि बड़े पद पे बैठे व्यक्तियों को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, मैंने जो पूछा कि चप्पल मारेंगे योगी जी को, ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा। किशोर जी रुकिए एक सेकंड, इस पे क्या, संजय राउत एक सांसद है, संजय राउत एक सांसद है, कहते रूबिका जी अभी आपने सवाल पूछा, ये एक लॉयर है उनसे ही सवाल जो पूछा आपने, इसका ये जवाब नहीं दे पाए। आपने बहुत सिंपल पूछा कि अगर हाईकोर्ट ने उसको माना है गलत है, हाईकोर्ट ने जो स्टैंड लिया है बहुत क्लियर स्टैंड है कि अगर मुख्यमंत्री की अवमानना होती और अगर अशांति, जवाब दीजिए आप, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, बहुत हो गया। जो मुद्दा यहाँ पे है,
हनुमान चालीसा के मुद्दे के लिए ये केस नहीं हुआ है। जिस प्रकार से उनकी भाषा थी मुख्यमंत्री के खिलाफ, जिस प्रकार से राज्य में अशांति फैलाने का उनका जो प्रयास था, हाईकोर्ट ने उसको माना है, पहली बात। और देखिए, चुनावी हिंदू भाजपा वाले जिन्होंने श्री राम प्रभु का विरोध किया, आज उनके साथ चले गए। तो ना इनको राम से प्यार है, ना हनुमान से प्यार है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार है। उनको लगा कि महाराष्ट्र में कहीं जगह बन रही है, इनके साथ जाके बैठ। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। महिला सुरक्षा की बात लगने लगी तो इनकी कोई विचारधारा नहीं। और मैं बताती हूँ मैं क्यों सहमत नहीं। मैं उत्तर देता अगर हूं। नहीं, मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द का या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उसमें अपशब्द तो कुछ है नहीं, तो क्या आप राजद्रोह का केस दर्ज कर लेंगे? प्रधानमंत्री तो फिर इस लिहाज से अगर जुबान पर काबू ना रखना राजद्रोह का बेसिस हो जाता है, तो फिर संजय राउत पर एक बार नहीं कई मर्तबा राजद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। रोहन जी, एक मिनट में बात कर लू, मुझे बात की आपने, अब सुन लीजिए मेरा जवाब। मैंने राज्य की शांति को हिलाने का प्रयास किया, इसके लिए किया गया। अब गुजरात में आपको, आप जानती हैं, जिग्नेश मेवाणी हमारे एमएलए, उनको बिना बात के ले जाया गया, 3 दिन का रिमांड दिया गया, वो एमएलए है, वापस गिरफ्तार किया गया। आपने तो कभी एक शब्द नहीं बोला उसके खिलाफ, राणा के खिलाफ। आप नहीं, मैं देखिए, राजद्रोह के केस को लेकर हम लोग अलग से बहस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसलिए एक्सपोज करने की कोशिश, और उसके खिलाफ राजद्रोह नहीं है, जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज नहीं है। आपने बोला कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आप शब्दों का इस्तेमाल किया, इसीलिए हमने केस रोका। और विजय वेलटीवार ने क्या बोला था, आप मुझे ये बताइए। अगर जुबान की बात हो रही है ना, बदसलूकी की बात हो रही है, जिग्नेश मेवाणी के मुद्दे पे क्यों नहीं बोला? विजय वेलटीवार ने क्या बोला इनके रिमांड के बाद में, उस आदमी को दंपतियों के खिलाफ क्या बोला, किन किन लैंग्वेज का और किस किस भाषा का इस्तेमाल किया था, आप मुझे बताइए। राजद्रोह का केस उनके खिलाफ क्यों नहीं है? बात की है, वहां कहीं पे भी आप मिसरिप्रेजेंट मत कीजिए देश की जनता को। हनुमान जी के खिलाफ बोलने के लिए ये एफआईआर नहीं हुई है, हनुमान चालीसा के मुद्दे पे एफआईआर नहीं हुई है। हनुमान जी का नाम ही नहीं लिया मैंने, हनुमान चालीसा का जिक्र नहीं किया। रोहन गुप्ता, आपने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और इसीलिए केस दर्ज हुआ। ये मैंने नहीं कहा, ये रोहन गुप्ता ने कहा है। कि दोनों चीज कही मैंने, मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत भाषा और राज्य में शांति को, जो शांति का वातावरण को खराब करने के लिए, ये दोनों मुद्दे पे हुआ है। और हाईकोर्ट ने जब उसको अपेंड किया, राजद्रोह का केस आप दर्ज कर लेंगे तो कीजिए ना, संजय राउत के खिलाफ आप कीजिए ना, संजय राउत के खिलाफ, विजय पेडित्तीवार के खिलाफ कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे राजद्रोह का केस? आपने एक शब्द क्या, तो सरेआम खुलेआम गाली दे रहे हैं, और इस सत्तार के खिलाफ कीजिए ना। हनुमान जी को ये जो अजीबोगरीब भाषा में गालियां देता फिर रहा है, इसके खिलाफ दर्ज कीजिए ना राजद्रोह का केस। रूबिका जी, मैं जवाब दे दूं, मेवाणी का केस मालूम है आपको? सर, जिग्नेश मेवाणी कहां जा रहे हैं? मैं महाराष्ट्र का जिक्र कर रही हूँ ना। आप बढ़िया क्यों नहीं, मैं बात, आप वहां कहां लेकर जा रहे हैं मुझे? आप पुलिस की बात कर रही है तो उस पर भी बात, मैं राजद्रोह के केस की बात कर रही हूँ। आप पूरे देश की एंकर हैं, कल भी चर्चा जिम्मेदारी है कि जहां पे भी आपको बात करनी होगी, और आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है रोहन जी, नहीं आ पा रहा है ना, आपके लॉजिक आज ठीक है ना, ऑडियो आपका ठीक है। शिवसेना के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं 10 सेकंड, और उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है सर। मेरा ऑडियो ठीक ही आप, किशोर जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है रोहन जी। हाँ नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आजकल ये ट्रेंड ही आ गया है कि ओछी भाषा में बात करने का, तो मैं जो भी किसी भी पार्टी के हो, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता, ये तो मैं पहले क्लियर करता। और जो भाटिया जी, जो शब्द आप मुझे ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपने राजद्रोह का केस जो किया है वो क्यों किया है, किस बदले की कार्रवाई के तहत किया है, हनुमान चालीसा को लेकर एक अलग मापदंड क्यों, बाकी धर्मों के रिचुअल्स को लेकर अलग मापदंड क्यों, आप लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं, देश की जनता देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाम 6 बजे 2024 की तैयारी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।